हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी। और मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक और वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, आपकी एलर्जी से रिलेटेड है। तो वो है बलगम। जिन लोगों को सर्दी खांसी रहती है उनको बलगम की समस्या देखने को मिलती है, साथ ही साथ जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लेनी है जो आपको बलगम से राहत देंगी और कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, बलगम बनता क्यों है? बलगम बनने का कारण होता है जो आपके फेफड़े होते हैं उसमें धूल कणों के साथ साथ में बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जिससे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की रक्षा जो करते हैं उनमें प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, इस तरह की सिम्टम आते हैं, नाक बहने की दिखने लगता है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका सेवन से आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके बलगम की समस्या को बढ़ा देते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप छुटकारा पा सकते हैं और कौन सी हैं जिन्हें आपको कम इस्तेमाल करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? बलगम किसी भी तरीके से बन सकता है। हो सकता है मौसम चेंज की वजह से हो, सर्दी की वजह से हो, एलर्जी की वजह से हो, या फिर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, या आपको हमेशा कोल्ड रहती है तो भी आपको बलगम की समस्या हो सकती है। कभी कभी छोटे बच्चों में भी ये समस्या होती है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए और ये बच्चों के लिए भी उपयोगी हैं, तो आप इनको ज़रूर फॉलो करें। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अदरक। अदरक का सेवन सर्दी खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो 100 ग्राम अदरक को कूटकर 2-3 चम्मच शहद मिलाकर इसका पेस्ट आप 2-2 चम्मच दिन में 2 बार लेंगे तो यह समस्या ठीक हो जाती है। दूसरी होती है काली मिर्ची। काली मिर्च को पीसकर इसको भी 1 चम्मच लेकर शहद में मिलाकर 10-15 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लें और फिर इसको आपको पीना है। तो ये भी आपके बलगम को निकालने का काम करती है। हफ्ते में एक दिन आपको ये 3 बार ज़रूर लेना चाहिए। नेक्स्ट होता है लेमन टी। लेमन टी में सिट्रिक एसिड होता है, शहद में मिलाकर आप इसे एंटीसेप्टिक तत्व बढ़ा सकते हैं जो कि आपकी बलगम को कम करने का काम करेगा, गले का दर्द को दूर करने का काम करता है। तो आपको ये बनाना है और इसका इस्तेमाल आपको करना है। इसके अलावा आप गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डालकर इसके गरारे करें। गरारे बहुत अच्छे होते हैं, आपकी बलगम को छुटाने का काम करते हैं और आपका जो सांस की नली है वो साफ़ हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट आप जो कर सकते हैं वो है गाजर का इस्तेमाल। गाजर अभी बहुत अच्छी सीज़न में मिल रही है तो आप गाजर का इस्तेमाल करें। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ये आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। ऐसे में आप गाजर का इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन के साथ साथ में आपको बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं जो बलगम की समस्या को दूर करते हैं। तो इसके लिए 3-4 गाजर का जूस निकालकर उसमें पानी मिला लें और 2-3 चम्मच शहद मिलाकर इस मिश्रण को आपको एक दिन में 2-3 बार लेना है। नेक्स्ट होता है लहसुन और नींबू। लहसुन नींबू दोनों सूजन को कम करने का काम करते हैं। सिट्रिक एसिड होता है जो रोगों से लड़ने में मदद करता है, तो ये भी आपको बलगम की समस्या से राहत देता है। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, कोरकमिन होता है, तो ये आपकी सभी समस्याओं को राहत देती है। इसे आप गर्म दूध के साथ में मिलाकर ले सकते हैं, चाहे तो काली मिर्च भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, छील करके उसमें पेस्ट बना लें और उसमें शहद मिलाकर उबाल कर आपको ये लेना है। इसके अलावा आपको जो बातें ध्यान देनी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बलगम को बढ़ा सकती हैं, तो इसकी मात्रा आपको सीमित करनी है, जैसे कि आलू, पत्ता गोभी, केला, मक्का, कॉर्न या दूसरे प्रोडक्ट जिससे फेफड़ों में म्यूकस बनता है बलगम को बढ़ाते हैं, तो इन चीज़ों को आपको लेने से बचना है या फिर आप इनको बहुत कम मात्रा में इनका सेवन करें। अब बात कर लेते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लेनी चाहिए। तो आपको विटामिन सी से भरपूर खट्टे फल लेना चाहिए जो शरीर में बलगम को घटाते हैं, इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं ये चीज़ें। और इसमें आप ले सकते हैं संतरा, मौसमी, नींबू, स्ट्रॉबेरी, बेरीज हैं, इनको खूब सेवन करें। और हरी सब्जियाँ हैं, पत्ते वाली सब्जियाँ हैं, टमाटर आदि का सेवन करें। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो बंद श्वास नली को खोलने का काम करते हैं। इसके अलावा
कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं तो उनका सेवन कम करें, जैसे ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स, अंडे, योगर्ट, मक्खन, बटर, चीज़, आइसक्रीम ज़्यादा सेवन करने से आपको बलगम की समस्या बढ़ जाती है। कुछ पेय पदार्थ होते हैं जैसे कि आप यूज़ करते हैं जो आपके बलगम को बढ़ाते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, सोडा, शराब, ये आपके शरीर के लिए काफ़ी घातक होते हैं और ये बलगम ही नहीं वैसे भी हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, तो ऐसी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट होता है आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। पानी पीने से आपका जो म्यूकस है, बलगम है, वो बढ़ने से रोकने का काम करता है। अगर आप इसे गुनगुना पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पानी जो होता है हमारे जो शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है, और ये बलगम होता है वो भी धीरे धीरे घुलकर शरीर के अलग अलग रास्तों से बाहर निकल जाता है। तो पानी ज़रूर भरपूर मात्रा में पीजिए, और ज़्यादा ठंडा पानी आपको फ्रिज का नहीं लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।